कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने से पाकिस्तान ने बोखलाट में समझौता एक्सप्रेस बंद कर दी है। पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। पाकिस्तान की तरफ से भारत आ रही समझौता एक्सप्रेस वाघा बॉर्डर पर ही खड़ी है। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत गार्ड और ड्राइवर को भेजकर ट्रेन ले जाए। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के इस फैसले से 70 यात्री पाकिस्तान में ही फंस गए हैं। खबर लिखे जाने तक 3 क्रू गाड़ी लेने के लिए पाकिस्तान जा चुके थे। इससे पहले कल देर शाम तक पाकिस्तान ने भारत के साथ अपने राजनयिक संबंध सीमित कर दिए। 9 में से 3 हवाई क्षेत्रों को भी बंद कर दिया गया है। इसके अलावा विदेशी विमानों के पाकिस्तान में उड़ान की ऊंचाई भी बढ़ा दी गई है। साथ ही एयरलाइंस के हवाई मार्गों में भी बदलाव किए गए हैं। हालांकि पाकिस्तान ने जिस एयर स्पेस को बंद किया है उससे एयर इंडिया की फ्लाइट पर अधिक फर्क नहीं पड़ेगा। इससे अधिकतम 12 मिनट का बदलाव होगा। गौरतलब है कि पाकिस्तानी एयर स्पेस से एयर इंडिया की रोजाना 50 फ्लाइट गुजरती है। पाकिस्तान के सिविल एविएशन अथॉरिटी द्वारा जारी नोटिस टू एयरमैन के मुताबिक एयर स्पेस 6 अगस्त से 5 सितंबर तक के लिए बंद रहेंगे। बड़ी बात यह है कि जिन हवाई मार्गों में बदलाव किए गए हैं उनमें लाहौर क्षेत्र के एयरलाइंस शामिल हैं। लाहौर रीजन में विदेशी विमानों को 46,000 फीट से नीचे उड़ने की अनुमति नहीं होगी। इससे पहले 16 जुलाई तक भी यह एयर स्पेस बालाकोट स्ट्राइक की वजह से बंद रहे थे। पर यह मामला इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है। रेल मंत्री शेख रशीद ने आज ही भारत को युद्ध की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि भारत के साथ जंग आखिरी होगी। इससे पहले पाकिस्तानी विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद चौधरी भी युद्ध की धमकी दे चुके हैं। दरअसल पाकिस्तान अब बेहद डरा हुआ है। उसे लग रहा है कि कहीं भारत पीओके को ना छीन ले जाए, इसलिए वह पाकिस्तानी जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए तरह तरह की पैंतरेबाजी कर रहा है। पाकिस्तान को भय है कि मोदी का अगला लक्ष्य पीओके है, पर वह बार बार जंग की बातें करके अपनी जनता का मनोबल बढ़ा रहा है। वह एयर स्पेस बंद करके ऐसा साबित कर रहा है मानो उसने युद्ध के लिए तैयारी कर ली है। लेकिन स्थिति यह है कि उसकी हालत भारत के सामने 48 घंटे से ज्यादा टिकने की नहीं है, क्योंकि भारत के पास 28 दिनों तक लगातार युद्ध लड़ने की क्षमता मौजूद है, जबकि पाकिस्तान 2 दिन में पिछवाड़े पर फूल खिलवाकर चलता बनेगा। पर इसके बावजूद भी इस मदरसा छाप मुल्क को कमतर आंकना अकलमंदी नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस बंद किए हैं, हो सकता है यह भी मोदी रणनीति का ही अनुसरण कर रहा हो। मतलब भारत का ध्यान भटकाकर भीतर खाने अपने हथियारों पर तेल लगाने में जुटा हो और उचित अवसर पर हमला करने का दुस्साहस कर बैठे, क्योंकि जिस प्रकार इसके बकलोल मंत्री और सेना प्रमुख तैमंद के छेद से तिरछे नैनों से झांक रहे हैं, उससे इनके खुरापाती और मदरसा मस्तिष्क का IQ परिलक्षित होता है। वैसे भी यह मुगल छाप मुल्क बकलोल में महारत रखता है और किसी भी काम के शुरू होने से पहले इसे गधैया नृत्य करने की आदत भी है। इमरान खान घूंघट निकाले वजीर आजम हाउस में चुपके से बैठे हैं, मगर उनके मंत्री तस्वीर पर तख्ती टांगकर ट्विटर पर उसकी फुटेज डाल रहे हैं। मतलब इनकी मनोदशा उस कुकर की जैसी है जिसके कान में कीड़े पड़ जाते हैं और वह जगह जगह सिर पटकते दौड़ता रहता है। कमाल की बात यह है कि इसने समझौता एक्सप्रेस बंद करने, वायु क्षेत्र पर रोक लगाने या द्विपक्षीय व्यापार खत्म करने के जितने फैसले लिए हैं वह इस मुल्क के मदरसा छाप होने को साबित करता है, क्योंकि इससे भारत पर तो 10 पैसे का भी असर नहीं पड़ेगा बल्कि पाकिस्तान का अपना कुर्ता जरूर उतर जाएगा। भारत यदि इस तरह के कदम उठाता तो बात समझ में आती है, पर यह फंडर मुल्क केवल भीख मंगे पाकिस्तानियों से तोता गिरी कराकर उन्हें पेड़ की शाखा पर उल्टा लटका रहा है। यह ठीक उसी तरह है कि किसी भिखारी को गुस्सा आ जाए और वह झुंझलाट में कटोरा भी पटक कर चला जाए, पर बाद में एहसास हो कि बिना कटोरे के अब भीख कैसे मांगेगा। मतलब पाकिस्तान एक तरफ युद्ध की बात कर रहा है पर दूसरी तरफ अपनी ही अर्थव्यवस्था को पहले ही चूना लगा रहा है। कल यदि पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ दिया तो उसकी फौज तक के पास पायजामे नहीं बचेंगे। पर यह पाकिस्तान है और आज ये पाकिस्तान 3 तिलंगों के इशारे पर गिरदाबाद हुआ जाता है, यानी मोदी, शाह और डोभाल ने इसकी ऐसी पुंगी बजा दी है कि पाकिस्तान को अपने पिछवाड़े दिखाने में भी शर्म महसूस होती है। मतलब यह नतमस्तक होकर कहता फिर रहा है कि अगर दुनिया कुछ नहीं बोली तो वह परमाणु बम छोड़ देगा। वैसे दुनिया भी इस खटारा मुल्क से तंग आ चुकी है, शायद उन्हें भी पाकिस्तान के परमाणु बम की झलक की चाह है, यानी वह है भी या नहीं।
आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।